नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका, राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर की। बता दें कि छत्तीसगढ़ में एबी ईडी ने छापेमारी की है। इस दौरान ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले और अवैध वसूली को इस मामले को लेकर ईडी ने ये कार्रवाई की है, जिसमें दो विधायकों की संपत्ति जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले और अवैध वसूली मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां ईडी ने आईएएस रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी के अलावा दो विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय की संपत्ति जब्त की है, जहां जब्त संपत्ति की कीमत 51 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। बता दें कि अब तक कोल घोटाले और अवैध वसूली में 221 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिसके साथ ही अटैच की संपत्तियों में जमीन, भवन, लग्जरी गाड़ियां और बड़ी तादाद में नगद रकम और जेवरात शामिल हैं। बता दें कि इन मामले में कुछ आरोपी जेल में बंद हैं और कुछ ने ईडी की पूछताछ जारी है। तो वहीं दूसरी ओर ईडी ने रायपुर के सदर बाजार और शैलेंद्र नगर में दबिश दी, जहां कारोबारी रवि बजाज और ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह के यहां ईडी की टीम पहुंची और ईडी ने इस दौरान उन सभी से पूछताछ की है। तो बेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस दौरान पंचायत सचिव की तरफ से रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस कड़ी में गरियाबंद में भी पंचायत सचिवों ने प्रदर्शन के 56वें दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बता दें कि सचिव लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस दौरान सचिवों का कहना है कि 2 साल की अवधि पूरी कर चुके सचिवों को नियमित किया जाए, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले समय में वे उग्र आंदोलन के लिए भी मजबूर होंगे। हमारी एक ही मांग है, शासकीकरण, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम लोग हड़ताल में डटे रहेंगे। आज हमारे पंचायत सचिव संगठन का हड़ताल का आज 55 दिवस पूर्ण हो रहा है और इसमें सब तन मन धन से यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं और हमारे सभी सचिव साथी भाई यहाँ रक्तदान भी कर रहे हैं। की मांग है शासकीकरण। हम विगत 16 मार्च 2023 से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर हैं और 54 दिन तक हमने सामान्य तरीके से जनपद स्तर पर बैठकर एवं भूख हड़ताल के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट किया और 54 दिन तक हमारी मांगें पूरी न होने के कारण आज 55वां दिन में हम जिला स्तरीय रक्तदान शिविर करके हम शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र का अंतिम स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर हम कार्य करते हैं और हमारा एक ही मांग है, शासकीकरण की मांग। अगर ये शासकीकरण की मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। निश्चित ही, क्योंकि हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है जो 27 वर्षों से लंबित है, शासकीकरण। और भूपेश है तो भरोसा है, क्योंकि लगातार मंत्रियों द्वारा डेलीगेशन हमारे प्रांतीय टीम के द्वारा किया जा रहा है और लगभग हमारे शासकीकरण का खाका तैयार है, ऐसा उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है। फिर भी आज 55 दिन तक हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आया है, तो इसी के कारण उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम तो बेटे ने बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां सफाई कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, जहां कर्मचारियों ने 2 दिवसीय प्रदर्शन शुरू करते हुए मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में जिन कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा की, वे आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। जहां सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान गुलशन सिंह और दूसरे कर्मचारियों ने बताया कि लोकल बॉडी मिनिस्टर कमल गुप्ता के साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ की बैठक में जो मांगे मानी गई थी वो आज तक लंबित पड़ी हुई हैं। वहीं कर्मचारियों को लोकल स्तर की मांगों को तक भी पूरी नहीं की गई हैं। आलम यह है कि 3,000 कर्मचारियों को गेहूं का पैसा भी वक्त पर नहीं मिल पा रहा है। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर 2 दिवसीय जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वो हम ये मांग कर रहे हैं कि जो पीछे अक्टूबर में जो हमने हड़ताल करी थी और जो अपने मुख्यमंत्री के साथ साथ जो हमारा लोकल वाड़ी मंत्री है कमल गुप्ता जी, उन्होंने अपनी बातचीत करने के बाद हमें आश्वासन दिया था और ये कहा था कि भाई जो तुम्हारी मांगे जायज हैं। हम मांग कर रहे थे कि कच्चे कर्मचारी पक्के होने चाहिए, ठेकेदारी समाप्त होनी चाहिए,
नगर निगम की जो हमारी सरकार से मांगे हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्के हों, और जो लोकल सत्र की मांग डिमांडे हैं वो हमारे कर्मचारियों की पूरी हो, यही हम। तो ब्रिटेन में बात है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां निर्माण कार्यों में गड़बड़झाला सामने आया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में निर्माण कार्यों को कागजों पर दिखाया गया और उसके एवज में पैसे हड़प लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। ये मामला बकावंड के बिजरी पदर ग्राम पंचायत का है, जहां एक ग्रामीण लेखन ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत की है कि उसके बड़े पिता मनीराम के नाम पर मनरेगा के अंतर्गत एक डबरी का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था, लेकिन रोजगार सहायक ने डबरी का निर्माण कार्य नहीं करवाया है और अपने परिजन सरपंच स्वामवती और बाकी लोगों के नाम फर्जी मस्टर रोल बनाकर भुगतान करा दिया गया है। ग्रामीण लेखन बघेल का आरोप है कि वह उन्होंने इस मामले की शिकायत पंचायत में की तो पहले उनसे जल्द ही डबरी निर्माण की बात की गई और फिर बाद में बदतमीजी किए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि परिवार को मारपीट की धमकी भी दी गई है, जिसके बाद पीड़ित ने जिला प्रशासन से इस मामले की शिकायत की है और मामले में न्याय की गुहार लगाई है। डबरी तरन कराने के लिए दिए थे, वो अगले साल दो साल हो गया नहीं किए, पहला साल किए थे। पैसा क्या किया उसका? पैसा वो एक भाई वहाँ तहसील में दिए थे, नहीं जनपद पंचायत में कार्रवाई कर। बना है? और डबरी बनाए पहले का है। अच्छा, अभी का नहीं बनाया। किसके नाम से आया था डबरी? श्री स्वर्ग स्वर्ग धनसाई मणिराम धनसाई का है। तो अभी पूछने से क्या बोल रहे हैं सरपंच सचिव? तो धमका रहे हैं। तो हरियाणा के फरीदाबाद में वृद्ध आश्रम और आंगनबाड़ी केंद्र पर सुविधाओं की कमी के चलते सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष है। बता दें कि फरीदाबाद के जाजुर गांव में कहने को तो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और आंगनबाड़ी केंद्र में विश्राम करके बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन इन बिल्डिंगों के बनाने के बाद भी ग्रामीणों को किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जहां ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं और ना ही दवाइयां समय पर मिल पाती हैं। तीन गाँवों को जोड़ने वाले इस स्वास्थ्य केंद्र के बनाने के बाद भी लोग दवाइयाँ बाहर से खरीदने को मजबूर हैं, तो वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में भी समय पर नहीं खोला जा रहा है, जिस पर आंगनबाड़ी केंद्र को 9 बजे खुलना चाहिए, लेकिन इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र को 11 बजे खोला जा रहा है। बता दें कि बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र को खुलने का इंतजार करते रहते हैं, जहां ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को राशन भी समय पर नहीं मिल पाता है। ना तो कोई गोली दे, ना कोई खौसिक दवाई दे, ना हम कोई बड़ो बूढ़ो रहे, ना कोई बालकन के कछु भी दरिया गया खा रहे आप, चाहे घर तो ले जाएंगे गए इनके पर हम दे सके और देख कान ना रखे या के फोटो और खींच दबे सब दई टंकी चल रही है गेर दे। गांव अगर बात की जाए इनके समय की, तो क्या समय पर डॉक्टर आते हैं, खुलती हैं आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र वगैरह? ये ऐसा मन करे चले जाए, मन करे तो आ जाए, अपनी मन मर्जी चल रही है। इनकी सुविधा सर ना मात्र की है। कैसे? वृद्धाश्रम में कोई सुविधा नहीं है और स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, आंगनबाड़ी टाइम पर नहीं खुलती है, 10:30 बजे आंगनबाड़ी खुलती है, जबकि टाइम उसको 9 बजे का। जो बनाई गई थी तो तीन गांवों के लिए बनाई गई थी, जिसकी सुविधा जो है उन लोगों को मिल पाए, क्या इनकी सुविधा उन गांवों को और जाजरू को मिल पा रही है? इसकी सुविधा जब जाजरू को नहीं मिली तो बाहर के यहाँ कहाँ मिल जाएगी इसकी सुविधा? तो बेटे में बात हरियाणा के फरीदाबाद की, जहाँ जोरदा गाँव में सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद के अजरौदा गांव और सेक्टर 15A बदहाली के आंसू बहा रहा है। यहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसकी चपेट में एक महिला आ गई है। जानकारी के मुताबिक गंदगी और फिसलन की वजह से एक महिला गिर गई, जिसके हाथ पर चोट आई है। बता दें कि महिला ने नगर निगम के अधिकारियों से दफ्तर पहुंचकर इस मामले की शिकायत की और लोगों का कहना है कि सीवर टूटने की वजह से गंदा पानी पूरी गली में बह रहा है, जहां सफाई ना रहने की वजह से ग्रामीणों और नगरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने जल्द ही समस्या के समाधान की बात कही है। समस्या जी हमारी कम से कम 1 महीने करीब हो गया इनको कंप्लेंट लिखे हुए भी। एक तो हमारे यहाँ मेन हॉल टूटा हुआ है, जिसमें सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेन रास्ता है वो,
किसी बच्चे के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। और एक बच्चा बता रहे हैं ये गिर भी गया, कोई इन्होंने खुद निकाला है। और एक सीवर बिल्कुल जाम पड़ी है, 8-7 दिन से बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरी गली भरी पड़ी है, सड़ा पड़ा है। और ये देखो जी, गली में पानी भर रहा है, मैं नौरंग का पानी ले रहा हूं, टंकी में आ रहा है जिससे हम खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारा तो घर में और भर रहा पानी। आश्वासन क्या मिला है अफसरों की तरफ से? बोल दिया ठीक है, गाड़ी भेज रहे हैं आपके, मैनुअल पानी कर देंगे, तो अभी करवा देंगे, बाकी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। समस्या जी हमारी। तो बेटे ने बात छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की कर लेते हैं, जहां नाजुल की जमीन को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नाजुल की जमीन को लेकर घमासान देखने को मिला, यहां गड़बड़ झाला सामने आया है। बता दें कि जमीन को लेकर गांव के ही युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने रेशम विभाग के पास मौजूद नाजुल की जमीन से जुड़ी खसरा खातूनी दिखाई है। ये मामला धर्मापुरा का कालीपुर इलाके का बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर रविवार को ग्राम सभा का आयोजन भी किया गया था, लेकिन संबंधित व्यक्ति बैठक में नहीं पहुंचा। बता दें कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक युवक ने जिस जमीन की खसरा खतौनी दिखाई है, उस जमीन को लेकर साल 2018 में अतिक्रमण को लेकर SGM ने कार्रवाई की थी और करीब 8,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया था, जहाँ तहसीलदार की ओर से लिखित में ये भी जानकारी दी गई थी कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया है वो सरकारी नजूल भूमि है, जिसे बाद में अलग कर सरकारी विभागों के लिए अलॉट कर दिया गया था। लेकिन अब राजस्व दस्तावेजों में नजूल की जमीन पर किसी व्यक्ति की खसरा खतौनी और नक्शा नजर आ रहा है, जिसको लेकर संबंधित युवक ने बैठक में ना पहुंचने का फैसला लिया गया, जिसके बाद मामले में कलेक्ट्रेट ने शिकायत करने के बाद जाँच की कार्रवाई की जाएगी। जिसमें कहा कि इलाके के कोटद्वार में पीटू बघेल ने बताया कि इलाके के राजस्व रिकॉर्डों में बंदोबस्त नहीं किया गया, इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड भी गायब किए गए हैं। ऐसे में यहां सरकारी जमीनों पर दूसरी जगह की जमीनों के दस्तावेज को आधार बनाकर नक्शा खसरा खातूनी बैठाने का खेल चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी भी दे दी गई है। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां कोया समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कोया समाज ने कटम्ब परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया। बता दें कि यह आयोजन दरवा ब्लॉक के ककनार काड़ीपार गांव में किया गया। इस दौरान कोया समाज के प्रमुख लोगों ने शिक्षा और समाज के अंदर फैली बुराइयों जैसे शराब और नशे को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। तो वहीं आखिरी एक मिनट का मौन धारण कर केलीपाल गांव के पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता स्वर्गीय बधुराम कटराम को श्रद्धांजलि दी गई। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC News।